जब यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझको मिली थी तो मेरी इच्छा हुई कि आकर के हम खुद देखें, और आकर के देखा कि इतना बढ़िया जगह है। खूब अच्छे ढंग से हम लोग इसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस काम को करेंगे। इको टूरिज्म को ध्यान में रख करके ही बहुत सारी बातें उसमें जो कही गई, तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। आज भी हमने बात की, पता चला कि यहाँ काफी कुछ आने रास्ता वगैरह बनाए हैं, तो इच्छा हुई कि जाकर के देखेंगे। तो आज देख लिया है कि इसको और कैसे विकसित करना है, जो पहले बता चुके थे, आज भी उस पर चर्चा हो गई। सब बात हुई है ताकि लोगों को आने में सुविधा हो। कहीं से भी जो लोग आएंगे, जो इसको इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, पहले से बात हुई है कि लोग आ करके उनकी गाड़ी रुकेगी, और उसके बाद फिर जो नजदीक में जितना है जगहों पर पैदल चल करके वो घूमेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों लगातार पर्यटन के दृष्टि से बिहार में क्या कुछ बेहतर हो इसको लेकर अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कल सीएम नीतीश कुमार बिहार के नवादा पहुंचे थे, जहां उन्होंने ककोलत जलप्रपात का निरीक्षण किया था, और आज सीएम नीतीश बिहार के कैमूर पहुंचे, जहां करकटगढ़ जलप्रपात का निरीक्षण किया सीएम नीतीश कुमार ने, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार में पर्यटकों के लिए किस तरीके से बेहतर सुविधाएं मिले और पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से विकास हो, इसको लेकर सीएम नीतीश लगातार दौरा कर रहे हैं। कैमूर के करकटगढ़ वाटरफॉल का निरीक्षण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठकें भी की है, साथ ही जिस तरीके से क्षेत्र की जो गंभीर समस्याएं हैं, सड़क और नेटवर्क, इससे भी बेहतर करने का निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया है। अधिकारियों ने भी सीएम नीतीश कुमार को कई सलाह दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करकटगढ़ वाटरफॉल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप सुनिए। जब यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझको मिली थी तो मेरी इच्छा हुई कि आकर के हम खुद देखें, और आकर के देखा कि इतना बढ़िया जगह है। इसको खूब अच्छे ढंग से हम लोग इसको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस काम को करेंगे। इको टूरिज्म को ध्यान में रख करके ही बहुत सारी बातें उसमें जो कही गई, तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। आज भी हमने बात किया, तो बीच में तो सवा दो साल चलता रहा ये कोरोना के चलते, जो कहीं कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन इधर फिर मेरे मन में ये बात आई एक रोज कि भाई उसमें हम गए हुए हैं, और पता चला कि यहाँ काफ़ी कुछ आने रास्ता वगैरह बनाए हैं, तो इच्छा हुई कि जाकर के देखेंगे। तो आज देख लिया है कि इसको और कैसे विकसित करना है, जो पहले बता चुके थे, आज भी उस पर चर्चा हो गई है। देखिएगा, एक समय आएगा, सब कुछ होगा, तो ऐसे तो लोग आते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, और बहुत अच्छी जगह है ये, एक खास जगह पर है। अब आप सोच लीजिए कि इस समय, आज कितना तारीख है, आप सोच लीजिए इस समय, अब इसके बाद पूरा गर्मी का दिन है, अब बरसात तो कुछ दिन के बाद आने वाला है, लेकिन देख लीजिए कि अभी भी इसमें जिस प्रकार से देख रहे हैं कि सब कुछ ये इस पूरे इलाके में, और मोबाइल नेटवर्क पहाड़ी इलाकों में भी जो इस तरह से जो दिखाई पड़ता है जल का, तो इसको देख लीजिएगा कि ये बहुत ज्यादा होगा। लोग नहाना चाहेंगे, कई लोग देखना चाहेंगे, तो काफी बात हुई है। इसके लिए सब कुछ सब ठीक ढंग से चारों तरफ लोगों के रुकने के लिए भी और बैठने के लिए भी, और सब जगह देख लेंगे, तो कुछ कोई कुछ खाना चाहे तब भी। और हमने ये कह दिया है कि सब जो लोग बच्चे बच्चियों को तो हर जगह घूमने का करवाते ही इंतजाम 2006 से ही, तो इस तरह से ऐसे जगहों पर भी लोग देखेगा तो अच्छा रहेगा, और एक एक चीज के बारे में जानेगा तो लोगों को सब बात हुई है ताकि लोगों को आने में सुविधा हो। कहीं से भी जो लोग आएंगे, जो इसको इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, पहले से बात हुई है कि लोग आ करके उनकी गाड़ी रुकेगी, और उसके बाद फिर जो नज़दीक में जितना है जगहों पर पैदल चल करके वो घूमेंगे। लेकिन यहाँ आने का रास्ता तो वही कहा ही गया ना, बना करके, ताकि लोग ठीक ढंग से आ जाए दूर दराज से, तब सुविधा होगी। और फिर यहाँ पर जब सब चारों तरफ घूमेंगे, जैसे हम ही कैसे पैदल घूमें, इसी तरह से लोग भी, और थोड़ा और नीचे तक गाड़ी रहेगी, बाकी सब लोग घूमेंगे, तो बहुत आनंद आएगा। मोबाइल नेटवर्क के विषय में कुछ बताएंगे क्या?
तो सीएम नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। बिहार में पर्यटन के दृष्टि से कैसे बेहतर किया जाए और पर्यटकों के लिए क्या कुछ सुविधाएं बेहतर मिले, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिंतित है। सीएम नीतीश कुमार ने कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का आज निरीक्षण किया है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कल सीएम नीतीश ने नवादा के ककोला जलप्रपात का निरीक्षण किया था। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।